सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप यूएसबी जॉयस्टिक को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे अगर आपको PPS SPP में प्रॉब्लम आ रही है कॉन्फ़िगर करने में, एंड गेम्स के लिए भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है दूसरे गेम्स में तो वो मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको यूएसबी जॉयस्टिक ऐप एक चाहिए होगी, वो आप इंस्टॉल कर लें टीवी में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूएसबी जॉयस्टिक ऐप जो है इसको ओपन करने जा रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करी है और मैंने यूएसबी जॉयस्टिक जो है मेरी कनेक्टेड है टीवी से ऑलरेडी, यहाँ पे मैंने ओपन कर लिए और अभी इसने डिटेक्ट नहीं करा है तो मैंने इसको कनेक्ट कर रखी है। और यहाँ पे मैं सर्च नॉर्मल पे क्लिक करूँगा तो अब ये यहाँ पे पॉपअप आ चुका है, इसको सिर्फ ओके करना है और यहाँ पे IME में जाके इसको ओके करना है। और यहाँ पे हम चूज़ करेंगे यूएसबी जॉय फ्री, और अब जो ये बीच में जो बॉक्स आ रहा है जो हमारी जॉयस्टिक है इसको जस्ट सिंपली टैप करते ही ये आप देखेंगे यहाँ पे सारी की वर्क कर रही है, तो ये बैकग्राउंड में रन करती रहेगी। तो इसे हम करते होम। अब अगर आपको PPS SPP में कॉन्फ़िगर करना है जो आपकी जॉयस्टिक है उसको, तो हम यहाँ पे PPS SPP ओपन करते हैं। और यहाँ पे मैं जो मेरा टीवी का रिमोट है उससे मैं पहले जाके सेटिंग में जाऊंगा, सेटिंग में जाके कंट्रोल्स पे, कंट्रोल्स में जाके कंट्रोल्स मैपिंग। अब इसमें मैं सबसे पहले करूंगा क्लियर ऑल, फिर मैं साइड वाला बटन दबाऊंगा मेरे टीवी रिमोट का, जिसमें मैं जाऊंगा D-pad अप पे, इस पे जाके मैं टीवी का बीच वाला रिमोट का बटन, ओके वाला जो सेलेक्ट करने का बटन होता है वो दबाऊंगा। अब एक मैसेज पॉपअप हो रहा है, इसमें मैं जो मेरा USB कंट्रोलर डिवाइस जो मैंने कनेक्ट कर रखा है टीवी से उसका जो अप वाला बटन होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नेविगेशन बटन होते हैं उसमें अप वाला दबाऊंगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा बिल्ट इन अप, यानी वो की कन्फिगर हो चुकी है। और मैं वापस अपने जो टीवी रिमोट से डाउन में जाऊँगा, यहाँ पे D-pad डाउन लिखा है उसको सेलेक्ट करूँगा, यानी बीच वाला बटन रिमोट का दबाऊँगा और यहाँ पे जॉयस्टिक का नीचे वाला बटन मैं दबाऊँगा। और यहाँ पे है D-pad लेफ्ट, D-pad लेफ्ट पे जाके मैंने ओके करा है रिमोट से, और यहाँ पे मैं कंट्रोलर का लेफ्ट वाला बटन दबाऊंगा और यहाँ पे मैं D-pad राइट के लिए राइट वाला बटन दबाऊंगा। तो ये तो मेरा हो चुका है USB कंट्रोलर जो मैंने लगा रखा है उससे कॉन्फ़िगर। अब अगर आपको रिमोट से करना है आपको D-pad अप में जाके सिंपली क्लिक करना है और आपको जो आपके टीवी का रिमोट है उसका अप वाला बटन दबाते ही आपको वहाँ लिखेगा Pad 1 अप, और यहाँ पे D-pad डाउन वाला बटन डाउन पे दबाना है तो यहाँ Pad 1 डाउन हो जाएगा, और लेफ़्ट के लिए आप ले सकते हैं लेफ़्ट और राइट के लिए ले सकते हैं राइट। तो ये कुछ रिमोट का कॉन्फ़िगरेशन है, और इसके अलावा और बटन नहीं है रिमोट में, तो ये वाले जितने भी है ये नहीं होंगे अगर आप रिमोट से कुछ और भी करना चाहते हैं इसके अंदर। तो वैसे तो आपको यहाँ पे USB कंट्रोलर से ही ये सारे बटन कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, सिर्फ उसको ओके करना है रिमोट से, और जो बटन आपके USB कंट्रोलर में आपको दिख रहा है जो साइन आया सामने बना है टीवी में आप, यानी सर्किल है, एक्स है और स्क्वायर है, ट्रायंगल है, तो वो वाले बटन जो आपको USB जॉयस्टिक में आपके दिखेंगे उनको ही प्रेस करना है और कॉन्फ़िगर करते जाना है ऐसे ही आपको। और उसके बाद आप कर सकते हैं यहाँ पे नीचे आके, सबसे नीचे मैं अभी टीवी का रिमोट ही यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे बैक करके, और आप अपना गेम जो है खेल सकते हैं। और नॉर्मली कोई दूसरा भी आपको अगर गेम खेलना है तो उसमें आपकी जॉयस्टिक जैसे यहाँ पे मेरी कनेक्टेड है, मैं आगे पीछे कर पा रहा हूँ, मेरा एनालॉग स्टिक वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक गेम खेल के बताता हूँ, यह है हिल क्राइमिंग रेसिंग, नया वर्जन है तो इसको लोड होने देते हैं। सो यहाँ पे गेम हो चुका है स्टार्ट और आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर सही से चल रहा है, और मैं अभी आपको आवाज़ आ रही होगी USB जॉयस्टिक की एनालॉग से तो मैं उसी को चला रहा हूँ। आपको हमेशा ओके करने के लिए, जो सेलेक्ट करने के लिए आपको MiTV का रिमोट हमेशा होना चाहिए और उसमें बीच वाला बटन से आपको सेलेक्ट करना होगा उसको, एंड अप डाउन लेफ़्ट राइट करनी है तो उसके लिए आपको जॉयस्टिक की आप यूज़ ले सकते हैं, आपने जो USB जॉयस्टिक कनेक्ट करी है, बट सेलेक्ट करने के लिए बीच वाला बटन दबाना पड़ेगा। लेकिन PPS SPP में आप जब कंट्रोलर को सेटअप कर लेंगे तब आपको बिल्कुल भी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, उसमें आप एक्स को दबा के ओके और सारे जब की आप कन्फिगर कर लेंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन ऐसे गेमों में कन्फिगर नहीं हो पाता तो आपकी जॉयस्टिक एनालॉग की अप डाउन और आगे पीछे के लिए काम करेगी, तो आपका रिमोट कंट्रोलर है उस दोनों से चला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।